Sí. और आजकल ये डाइटिंग कर भी रहता है, ऐसी डाइटिंग हो गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं शाहिद नवाज़ और मैं हूं सलमान रजा। आज हम आए हैं डाउनटाउन रेस्टोरेंट फेस टू हैदराबाद पेशावर, जो कि ट्रायंगल पार्क के साथ करीब हैं और अबू हनीफा मार्केट में। डाउनटाउन रेस्टोरेंट के पेशावर में दो ब्रांचेस हैं, एक यूनिवर्सिटी रोड तहकाल पे केएफसी के साथ है और दूसरा फेस टू हैदराबाद में है, यही ब्रांच। तो आज हम आए हैं फेस टू हैदराबाद वाले ब्रांच में और यहाँ पर हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ के बर्गर। ज़्यादातर इनके पास तो बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन यहाँ के बर्गर मशहूर है, तो एक तो हमने डिसाइड किए हुए ऑलरेडी कि हम ये ट्राई करने वाले हैं। उसका नाम भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मार्शल रिपोर्टिंग। तो इसको ट्राई करने और बाकी देखते हैं मेन्यू में जो हमें अच्छा लगा तो आपको बताते हैं कि किस तरह है। सर ये फेमस बर्गर इसमें कौन सा है आपका? सर बीफ में चिकन। हाँ बीफ में, बीफ में भी चिकन में भी बता रहे हैं। चिकन में अपाची है, डबल पेटी। अच्छा, और बीफ में कावबॉय और मार्शल में वो चीज पेटी होती है। अच्छा, एक मार्शल कर दे, डबल पेटी भी होती है चीज। अच्छा, और दूसरा क्या कहा आपने? अपाची। अपाची चिकन में जी। और बीफ में कौन सा है? मार्शल और कावबॉय। कावबॉय 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 ये पोर्ट लो भी है। अच्छा, इस तरह का एक कावबॉय कर ले, एक मार्शल कर ले, एक कावबॉय कर एक मार्शल कर ले। तो ये आ गया हमारा ऑर्डर, ये है मार्शल। इसमें क्या क्या है? इसमें डबल बीफ पैटीज है। अच्छा। और चीज़ पैटीज है इसमें, ऑनियन है, टोमेटो है। अच्छा। और मेरे ख्याल में चीज़ सलाद वगैरह बस हो गया। और ये है कावबॉय, इसमें है डबल पैटी, इसमें भी है बीफ डबल पैटी। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि चीज़ पैटी इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ चीज़ का वो डाला हुआ है और सलाद वगैरह बाकी सब कुछ है। तो चलिए टेस्ट करते हैं, शुक्र से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले केचप को लो, आसानी होगी फिर केचप के बगैर ही टेस्ट कर लेता हूँ। काफी लोडेड है, मुंह बड़ा खोलने वाला। इसको काट कर भी खा सकते हैं लेकिन बर्गर का मजा वो है कि हाथ में पकड़ के खाओ। टेस्ट काफी अच्छा है, फ्रेश है। आपको जरूरी ट्राई करना चाहिए पहला बाइट का, लेकिन पहला बाइट ही बहुत ही मुझे तो बड़ा टेस्टी लगा। आप भी यहाँ आके ट्राई कर सकते हैं। और आहू वाला कैसा है? वैसे ये खाना बहुत मुश्किल काम है, खाना तो बहुत ही मुश्किल है, तो संभालना। क्योंकि साथ में ड्रिंक है फ्रेश लाइम, इसके साथ काफी लड़ना झगड़ना पड़ेगा काफी क्योंकि इसको पकड़ो तो ये नहीं खा जा सकता, बीच में से चीजें बाहर चली जाती। हाँ बिल्कुल,
असल में काफी लोडेड है ना, काफी लोडेड है। इसकी प्राइस तकरीबन आई थिंक प्राइस इसके मेरे ख्याल में ये है, हमने देखी नहीं, सॉरी कोबाई का 625 है और मेरे ख्याल में 7 प्लस ये है मार्शल है, मार्शल 7 प्लस है, बट मेरे ख्याल में प्राइस को जस्टिफाई भी करती है क्योंकि काफी हैवी है, इसमें काफी हैवी है, डबल पेटीज है, काफी हैवी है बीफ। हाँ सर ऐसे अगर ज़्यादा चीज़ लग रहे तो आप फिर आपको ट्राई करना चाहिए मार्शल रिपोर्टिंग नाम है इसका, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जिस तरह इनके सारे नाम है तो फिल्मी टाइप बहुत ही यूनिक नाम है, जिस तरह काउबॉय, जिस तरह काउबॉय मूव्स मशहूर है, काउबॉय ड्रेसिंग मशहूर है। जब भी ये खाने के लिए आए तो प्रिपेयर होकर आए क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं खाया जा सकता, गंदा होना पड़ेगा बिल्कुल। और आजकल ये डाइटिंग पर भी है तो ऐसी डाइटिंग हो गई। नहीं वेट तो कम हो गया, कम हो गया लेकिन जिस तरह अब ये है फुली लोडेड चीज है, अब तुम्हें एक्सरसाइज डबल करनी पड़ेगी। ये तो है, यार मैं इस तरह कर लूंगा हाफ। बाकी सही है, इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, यानी असल में मतलब खाना ही है ना, जिस तरह से भी काली बट खाना है। तमीज से आप ये नहीं खा सकते, बिल्कुल नहीं। हमारे एक दोस्त थे, नेक्स्ट टाइम उसको लाएंगे और कैमरे के सामने उसको ये खिलाएंगे। हाँ ये वो हवा भी बहुत होता है। काफ़ी मज़ा आया, अच्छा बर्गर था, काफ़ी लोडेड था और मेरे ख्याल में प्राइस के लिहाज से भी सही था। हाँ कितना, क्योंकि आजकल जिस तरह महंगाई है ना, तो उस महंगाई में एक टाइम की मील में अगर आप इससे पेट भर जाओ, इतना प्रोटीन भरा खाना और हर चीज़ से, वो तो असल में लोडेड बहुत था, लोडेड बहुत, इसी वजह से और काफ़ी अच्छा। ट्राई करें, काफ़ी अच्छी जगह, काफ़ी अच्छा स्टाफ है इनका और ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में और आपको कुछ और टेस्टी खाना पेशावर का, ख़ासकर पेशावर का इंशाल्लाह दिखाएंगे कुछ और रेस्टोरेंट। तो हमारे साथ ही बनिए रहें इंशाल्लाह, फिर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाँ।